क्षत्रिय बंधुओं को जय श्री माता जी की हुकुम। बड़ों को दोख, मैं सुखदेव सिंह गोवा मेडी। हुकुम जो 22 तारीख की कॉल सभी संगठनों में मिलकर हमने की थी, उस कॉल को सरकार के साथ जो समझौता वार्ता हुई है, हमारे समाज के जितने भी संगठनों के अध्यक्ष थे वो जो लोग गए हैं बैठ करके सरकार से वार्ता की है, उस वार्ता को हमें रखना है कायम। क्योंकि अगर उस वार्ता की हम खिलाफत करेंगे तो फिर वही समाज दो फाड़ हो जाएगा, वही बात, वही लेना वही देना। बड़ी मुश्किल से तो पहली बार समाज एक साथ हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। मुकदमों की बात है, मेरे ऊपर है, मेरे से अलावा भी तो जेलों में भरे पड़े हैं वहां 1000 युवा और कम से कम 300 गाड़ियां पुलिस वालों ने वहां तोड़ के डाली रखी है ना। पर हमें ये 22 तारीख का आंदोलन है, समाज की वार्ता और सरकार का रुख देखते हुए जो 22 तारीख को विरोध करना था अमित शाह का और इस सरकार का, वो वापिस ले रहे हैं। और अगर सरकार अपने वादे पे खरी नहीं उतरेगी, अगर सरकार ने जो वादा किया हमारे समाज के नेताओं के साथ उस पे नहीं रहेगी, तो फिर हम नई डेट का बहुत जल्दी ऐलान करेंगे। और नेता तो आते ही रहते हैं और आगे भी आएंगे, तब विरोध कर देंगे जोरदार। पर ये 22 तारीख का एक बार वापिस ले लेते हैं। और मैं समाज के जो नेतागण हैं उनसे भी आग्रह करता हूँ, आपने जो वार्ता की है उसका पालन तो सरकार से करवाओ कम से कम। जो जितने भी युवा भाई अंदर बंद कर रखे हैं झूठे मुकदमा लगा लगा करके, उनको आप छुटवाओ, उनको बाहर निकलवाओ। अब मेरे पे जो मुकदमे इन्होंने दर्ज किए हैं 2-3-4, हिस्ट्री शीट खोल दो, वो खोल दो। अरे खोलो ना, तो कोई दिक्कत थोड़ी मेरी, तो मेरे को कौन सा नौकरी लगना है। मैंने ये कह दिया भी मेरा इन मुकदमों से कोई लेना देना नहीं है, साफ झूठे हैं, इंक्वायरी करा लो, जांच करवा लो। ऐसे तो पुलिस वालों ने कम से कम 60 से 70 तो पहले ही आनंदपाल सिंह के नाम से अंदर डाल रखे, 307 लगा लगा के फर्जी, उस मुकदमे तो खूब लगा रखे इन्होंने फर्जी। अरे बनाए वो कोई सही थोड़ी है, फर्जी बनाए सारे के सारे। पर कोई दिक्कत नहीं, जो आपने वार्ता की है सरकार के साथ वो वार्ता का पालन करवाओ, मैं समाज के नेताओं से आग्रह कर रहा हूँ। और मेरे युवाओं से आग्रह करता हूँ कि ये मेरे समाज के युवा भाइयों, आप लोग धैर्य के साथ, हमने ये पूरा आंदोलन लड़ा है और धैर्य रखें। 22 तारीख का आंदोलन समाज के नेताओं ने स्थगित कर दिया, तो अपने को भी उसमें शामिल रहना है, स्थगित ही रखना है उसको, ठीक है। और इस लड़ाई को बहुत लंबे तक लड़ना है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं बिल्कुल शांति बनाए रखें, कहीं भी कोई भी किसी को भी अपनी तरफ से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए फिलहाल, जब तक सरकार अपनी बात पे कायम है। अगर सरकार मुंह करती है तो फिर देखेंगे, कोई भी सरकारी सिस्टम है या प्राइवेट है या कोई जैसे जाति विशेष के लोगों के द्वारा जिन जिन को ये शर्त और ये राजीनामा मंजूर नहीं है वो लोग भी बीच में कर सकते हैं। जिस दिन 12 तारीख को हम लोग पूरे के पूरे लगे हुए थे भी शांति बना के रखो, शांति बना के रखो, सरकार नहीं मानेगी तो अपन जयपुर कूच करेंगे, पर बीच में ही कुछ लोगों ने वहां घुस के हुआ करके वो रेलवे लाइन पे ले गए, वो कर दिया, वो कर दिया। तो उनमें हम लोग तो सारे के सारे जहां वार्ता हो रही थी वहां थे, पर मुकदमे तो लगाए ना। तो इसलिए आपसे आग्रह है बिल्कुल शांति बनाए रखें 22 तारीख को, अपने को एक बार कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि एक तरफ हमारे समाज के लोग बैठ करके सरकार के साथ वार्ता करके आए और एक तरफ हम ये करेंगे तो थोड़ा सा गलत होगा, इसलिए बिल्कुल शांति बनाए रखें। जय मां भवानी, जय जय राजपुताना। क्षत्रिय बंधुओं को जय श्री माता जी की हुकुम।